बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं क्यूएस टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनकी तालीमी खिदमात एक ऐसे बैकवर्ल्ड एरिया में हैं कि आप सुनकर हैरान ज़रूर होंगे। हाजी इशफाक अहमद वड़ाइच दरियाए चनाब के किनारे पर वाक़ एक बस्ती में पले बड़े, मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल हैड खान के से किया और फिर वज़ीराबाद गुजरात के कॉलेजेस में आला तालीम हासिल की, बल्कि एम ए इंग्लिश एमफिल की डिग्री हासिल की। आज से तकरीबन 20 साल पहले हैदर मेमोरियल स्कूल सिस्टम का इजरा किया और इस अदारा ने इनकी अनथक मेहनत की वजह से बहुत ही अरूज हासिल किया, जो आज तक पूरे इलाका बल्कि पूरी तहसील वज़ीराबाद में किसी के हिस्से में ना आया। तो इसी हवाले से आइए नाज़रीन, हम हाजी इशफाक अहमद वड़ाइच चेयरमैन दी हैदर स्कूल सिस्टम से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी आई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे प्यारे दोस्त और भाई अकबर भट्टी साहब। हाजी साहब, कोरोना के हवाले से इस वक्त जो तलीमी अदारों और तुलबा को नुकसान पहुंचा है उस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया को और पाकिस्तान को भी कोरोना के अजाब से, वबा से बचाए। ये एक अनहोनी है और ऐसी पेंडेमिक है कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। अब ये रहा आपका सवाल कि ये जो कोरोना है, कोविड-19 है, इससे कैसे मुतासर हुए हैं और इसको फिर हमें इसको कैसे डील करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो उसके लिए यह अर्ज है कि बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं कोरोना से। कोरोना की वजह से तमाम स्कूल बंद है, बल्कि अचानक बंद करने पड़े, जिसकी वजह से हमें मौका ही नहीं मिला कि हम प्लान कर सकें। और इसमें एक तो यह है कि अचानक बंद होने से प्लानिंग नहीं हो सकी कि हमने क्या करना है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त सेशन का आगाज़ होता है, साल शुरू होता है, जिसमें बच्चों ने बुक्स लेनी होती हैं, नई क्लासें बैठनी होती हैं और नए एडमिशन होने होते हैं। ना बच्चों ने नई बुक्स ली, ये बच्चों का नुकसान हुआ और नए एडमिशन नहीं हो सके। जब नए एडमिशन नहीं हो सके तो हमारी जो टर्मिनल क्लास है, 10th क्लास, वो तो जा चुकी है। तो चूँकि नए एडमिशन नहीं हो सके, वो भी बहुत बड़ा लॉस है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट जो है, पेरेंट्स ने फीस देना बंद कर दी है। कुछ तो इसमें जेन्युइन बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बहुत सारे वालदैन इस कोरोना से मुतासर हुए हैं। बाहर जो लोग काम करते थे, रोज़गार करते थे, या उनका कारोबार था, या इधर नौकरियां करते थे मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में, या उनके कारोबार तो बंद हुए हैं। लेकिन इसमें कुछ वालदैन है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से कुछ गलतफहमी हुई हैं, इसकी वजह से बहुत सारे वालदैन फीसें नहीं दे रहे। अब तो इस वक्त जुलाई आ गया, अब तो नॉमिनल फीसें आ रही हैं और जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह देना है वो भी इशू बना हुआ है। तो इसमें इस तरह के मसाइल हैं और असल मसला बच्चों की तलीमी जो है ना, जो उनका नुकसान हुआ है। और उसमें अगर 6 बच्चे घर 6 महीने मार्च से लेके, जैसा कि सितंबर में स्कूल ओपनिंग करने का प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, अगर 6 महीने बच्चे घर रहेंगे तो इशू है ये बहुत बड़ा। बच्चों को दोबारा समझने के कि वो लैंड से, पटरी से उतर गए होंगे और उनकी एक मोटिवेशन करना है, उनको पहले मॉरली फिट करना है, साइकोलॉजिकली फिट हों, फिर वो इस तरफ आएँ। तो समझ लें कि बहुत बड़ा लॉस बच्चों की ज़िंदगी का होने जा रहा है और जिसका ये कोरोना है। और इसमें गवर्नमेंट भी एक हद तक की कोशिश कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ये ऐसे करती है कि स्कूल लगा देती है और कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर इससे भी बड़ा नुकसान होने के चांसेस हैं। तो एक ऐसा मसला है जिसके मल्टीपल डैमेजेज हुए हैं, मल्टीपल जो है इसके आस्पेक्ट थे, जिसकी वजह से तलीम इन पाकिस्तान तो ख़ास तौर पर, और इसमें बिलखसूस जो प्राइवेट सेक्टर है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मौजूदा हुकूमत इस वक्त जिस तरह की पॉलिसी बना रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपका सवाल यह है कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त जो पॉलिसी बना रही है तलीम के मतलब, या तलीमी इदारों के मतलब और प्राइवेट सेक्टर के मतलब जो पॉलिसी बना रही है, मैंने तलीमी पॉलिसी का, तलीमी पॉलिसी का है, तो इसमें जो है कि ओवरऑल जो मौजूदा गवर्नमेंट हमारी, उसकी कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती। वो पार्ट टाइम जैसे जॉब नहीं बंदा करता, ये कर लो कल वो कर लो, इस तरह ही इनकी पॉलिसीज हैं। अब बड़ी उम्मीदें थी कि नई लोग आए हैं, नई गवर्नमेंट आई है और पाकिस्तान में कुछ बेहतर हालात होंगे, तो लेकिन ख़ास तौर पर पिछले 2 साल में देखा गया कि बड़ा इशू है
कोई इनकी कंसिस्टेंट और कंसंट्रेटेड पोजीशन, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है ना कोई पोजीशन है। और यही हाल हमारी तलीम के साथ है। तलीम का ये मसला हो रहा है कि मतलब इसमें इनको बड़ी इजीली हैंडल कर सकते थे। इन्होंने वैसे तो लोगों को 12-12 हज़ार रुपया दे के जो लोग थे उनको हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे सेक्टर में इस वक्त पंजाब की बात कर रहा हूँ तो इसमें 70 से 75 हज़ार स्कूल हैं और इसमें कोई 12-13 लाख जो है सिर्फ पंजाब में असातिज़ा कराम है। और अगर 70 हज़ार वो भी डाल लें जो स्कूल मालकान हैं वो भी बुनियादी तौर पर असातिज़ा कराम है, इसमें इन्वेस्टर बहुत कम है, ये वही लोग हैं कि पहले टीचर थे फिर ट्यूशनें पढ़ाई फिर अपना स्कूल आस्ता बना लिया, तो ये इशू है। तो इन्होंने बेल आउट पैकेज नहीं दिया, स्कूल बंद रखें जब तक जो है कोरोना के हालात ठीक नहीं होते, उस पर इतना नहीं है और खोले भी जा सकते हैं, अगर दूसरे कारोबार खोले जा सकते हैं तो ये भी खोला जा सकता है, लेकिन इनका जो पॉलिसी है कि यहाँ से जान छुड़ाई जा सकती है छुड़वा लें, खाम खा स्कूल खोलेंगे, अभी लोड शेडिंग हो रही है, लोड शेडिंग में और इजाफा होगा और वाम खिलाफ होंगे, तो ये एक सियासी किस्म के जो इनकी पॉलिसीज़ हैं। हालांकि हेल्थ है, ये तलीम है, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, इसमें प्योर जो है वो इन चीज़ों को देख के कि कितनी इंपॉर्टेंट हमें पॉलिसी बनानी चाहिए। तो इन्होंने सर ये है कि हमें एक तो स्कूल बंद हैं, दूसरा जैसे जैसे यूटिलिटी बिल्स हैं या रेंट्स हैं बिल्डिंग के, इसमें किसी किस्म की हमें फैसिलिटी नहीं आई। और दूसरी बात जो है कि जो हमारे टीचर्स हैं घरों में बैठे हुए हैं, कोई स्कूल तरह नहीं दे रहा, 1 या 2% स्कूल शायद इस काबल होंगे, उनके पास इतने रिजर्व होंगे, वो तनख्वाहें दे रहे हो, पहले महीने सब ने दी हैं, दूसरे महीने भी दी हैं, तीसरे चौथे महीने आते आते गुजारे, इतने रिजर्व नहीं होते। और एक सिंपल सी बात है, मुझे तो इस बात से समझ नहीं आती, स्कूल पेरेंट्स की जो बच्चों की फ़ीस देते हैं उससे चलते हैं, बिल्कुल, तो अगर पेरेंट्स फीस नहीं देंगे तो अदारे कैसे चलेंगे। तो ये मेरी तो अभी भी अपील है तमाम पेरेंट्स से, जहाँ कहीं भी उनके बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो तालीमी अदारे हैं प्राइवेट स्कूल में जो है प्राइवेट सेक्टर में, ये एक एसेट है इस मुल्क का। ये पहले भी इदारे जब नहीं थे तो जैसे तलीम थी वो जैसी थी अच्छी थी ठीक थी, लेकिन जब से ये प्राइवेट तलीमी इदारे हैं तो तलीम सिर्फ प्राइवेट क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेट तलीमी इदारों में आ गई है। और 60% इन्होंने लोड उठाया हुआ है, वालदैन के घर के बहुत करीब 1000-1200 में बच्चे क्वालिटी एजुकेशन कर रहे हैं, फैसिलिटी है घर के करीब है, वैन में दूर नहीं जाना पड़ता। तो अगर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर ये बात दारे बंद होते हैं जिस तरह गवर्नमेंट ने हमें लावारा छोड़ दी है, किसी किस्म का हमारे टीचर घरों में फाकाकशी कर रहे हैं, और भट्टी साहब ज़िंदगी में पहली मरतबा डरते तो पहले दिन से ही अल्लाह से, अब तो खौफ आता है या अल्लाह ताला को हम कैसे मुँह दिखाएंगे कि हम तो चलो हमारे घरों में चूल्हा चल रहा है, वो बहुत सारे टीचर हैं प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे चूल्हा चलना महाल हुआ है, बहुत मुश्किल हुआ है। तो ये इस तरह के इनकी जो पॉलिसी है ना, ये पता नहीं इनको समझ नहीं है या कि ये समझना चाहते नहीं हैं, इनको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। ये प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत बुरे हालात में, सैकड़ों स्कूल बंद हो गए हैं, हमारे साथ कराम जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के काम ऐसे करने पे मजबूर हैं जो कि ज़िंदगी में उन्होंने सोचा नहीं होगा। और चूंकि इसमें ज़्यादातर फीमेल्स हैं, बच्चियां होती हैं, और ये कोई मतवसत या खाते पीते घरों से नहीं होती, ये वो बच्चियां होती हैं जो मजबूरी के तहत अपनी ज़रूरियात पूरी कर घर चलाने के लिए वालदैन को सपोर्ट करने के लिए ये जॉब कर रही होती हैं, और वही उनका सोर्स ऑफ इनकम जो इससे रोटी रोटी चलती थी बंद है। और इसकी वजह से ना सिर्फ वो भूखे हैं बल्कि और बुराइयाँ जन्म ले रही हैं और बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो मेरी तो खास ये थी कि मैंने कई मरतबा पहले भी इजहार किया, कालम भी लिखी है, मेरा ये था कि गवर्नमेंट हमें फीसें लेने बंद कर दें, वालदेन से फीसें बिल्कुल नहीं लेते, और हम जाने अदारों के यूटिलिटी बिल जाने और बारे घर जाने, बारे टीचरों को पर मंथ तनख्वाह देते जिस तरह गवर्नमेंट के असाज़ा को मिल रही है, दे उसी तरह इनको भी तनख्वाह देना शुरू कर दें ताकि हमारे टीचर सर्वाइव करें। बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। असाज़ा को आप भी तनख्वाह नहीं दे रहे जैसा कि आपने बताया, तो गवर्नमेंट को फिर इस हवाले से क्या करना चाहिए? आपने थोड़ी सी तफसील बताई लेकिन मजीद मैं चाहता हूँ जी। असाज़ा की पहली बात जो है कि हमने इंतहाई दयानदारी से कोशिश की था साज़ा को पे करने के लिए, मार्च में हमने सबको तनख्वाह दे दी, अप्रैल में समय ने कुछ 60% को तनख्वाह दी होगी हमने, और हमने कोशिश की कि अगर किसी का एक दिन भी लगाया हमारे पास तो वो पैसे ज़रूर जाए। और जब हमारी ये मई में ईद उल फितर थी तो हमने
अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट करके, पेरेंट्स से तो फीस बहुत कम आ रही थी, तो हमने ये किया कि ईद होने से पहले किसी के हमारी तरफ ड्यूज ना रह जाए, और इसके बावजूद चंद एक टीचरों को हम, उनके कुछ ड्यूज थे, थोड़े थे, लेकिन वो पे नहीं कर सके। अब ये जून में और जुलाई में ये तो बिल्कुल, या 15-16 जो हमारे की मेंबर आ रहे हैं वो इतने, चलो कुछ वालदेन ऐसे हैं जिनकी मेहरबानी हो, हमारे एसेट भी हैं, किसी भी तारे का एसेट होते हैं, उनकी जो फीस देते हैं, तो हमारा ये यूटिलिटी बिल्स और ये जो जो हमारी कोर कमेटी है एक हिसाब से 15-20 बंदों की, उनकी पेज निकल रहे हैं। हालांकि हम इस पर बहुत एफर्ट कर रहे हैं, हमने इनको समर पैक दिए, जैसे भी प्रिंट को रख दिए, फिर हमने गूगल क्लासरूम पे तमाम 900 से ज़्यादा बच्चा इस वक्त क्लासे ले रहा है, और हम जूम पे भी लेक्चर दे रहे हैं 6 क्लास तक। तो इसके बावजूद भी पेरेंट्स का एक ओवरऑल माहौल बना हुआ है, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए गए वज़ीर तालीम की तरफ से, जिससे पेरेंट फीस कुछ मजबूर भी हैं और कुछ गलतफहमी की वजह से नहीं दे रहे कि देनी नहीं फीस, और कुछ वालदेन बहुत अच्छे हैं और उनकी वजह से दारे चल भी रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो जो टीचर घर बैठे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, ये फैक्ट है। और इसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसे अगर बेल आउट पैकेज दे दे तो हमें स्कूल वालों को इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे, हमें कर्जे दे दें, जिससे हम ले के हम जिस तरह का हमारे टीचर का मसला है उसको हम सपोर्ट करें, उनको पैसे दें। अगर ये इंटरेस्ट फ्री भी नहीं दे सकते, कोई 1-2% पे हमें लोन दे दें, लोन बैंकों से हमें करवा दें, लेकिन इस तरह की भी कोई पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया। और मैं फिर बता दूँ कि जो प्राइवेट स्कूल के साथ साथ बहुत इंतहाई स्कूलों वाले खुद चले, वो तो फिर भी कुछ ना कुछ उनके एसेट होंगे, लेकिन साथ साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, और जैसा मैंने कहा इससे मसाइल जन्म लेना शुरू हो गए। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, अच्छा जी साहब, आपने अपने इलाका के लिए तलीमी हवाले से बड़ी जद्दोजहद की, एक बैकवर्ड इलाके में आपने बहुत बड़ा अदारा बनाया, इस हवाले से आपको क्या क्या मुश्किल आई, आपने ये कैसे सर्वाइव किया, ज़रा थोड़ा सा बताएं। इसमें यह है कि दो बातें होती हैं कि या तो वक्त उस काम के लिए मुनासिब हो, और या फिर आप इस इलाक ऐसी जगह पे वो काम शुरू करें कि लोगों की वो ज़रूरत बन जाए, लोगों को वहाँ पे आसानी हो, आना जाना लेना देना वहाँ आसान रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अल्लाह ताला की कर्म नवाजी थी, जब हमने डिसाइड किया कि यहाँ स्कूल खोलना चाहिए, उस वक़्त लोगों की ज़रूरत थी। और अब तो बड़ी कोशिश करते हैं तो एडमिशन होते हैं ना जी, बहुत कुछ करते हैं, तो वहाँ तो तब पता ही नहीं था, और अल्लाह की करम नवाजी ऐसी के पहले साल दूसरे साल बहुत तेज़ी से हमारे पास एकोमोडेट करना मुश्किल हुआ था। तो इसमें मुश्किलात शुरू में तो बिल्कुल नहीं आई, लेकिन जब अदारे की पोजीशनें बोर्ड में 7 साल लगातार आ रही थी, 8 पोजीशनें थी, 11 टॉप 10 में आए, वो 19 पोजीशनें माशाल्लाह हमारी 19 सालों में हैं, तो उसमें मुश्किलात ये आ रही कि मुआशरा जिस तरह बिहेव करता है, रिएक्ट करता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से ब्लैकमेल करने की कोशिश करो, नॉन इशू को इशू बना के इदारे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करो, और ऐसी तवक्कुआत कायम करो जो पूरी नहीं हो सकती, वो इदारे हम नहीं पूरी कर सकते, हम टीचर लोग हैं, टीचिंग कम्युनिटी से तलक रखते हैं, उसको बहाने बना के अगेंस्ट जाके आप वहाँ पे एक पार्टीज बना लो, और इस लिहाज से आपके खिलाफ का ओवरऑल जो है आपके इदारे के खिलाफ काम करना शुरू कर दो। और फिर जिस तरह को दूसरे इदारों के साथ भी होता है कि मेरे इदारे में भी ऐसा हुआ, जब इदारा बहुत फैल गया और बहुत ज़्यादा नाम अल्लाह ताला ने इज्जत दी, रिजक दिया, तो यहाँ से टीचरों ने 1-2 मरतबा निकल के वो अपने 2007 में ऐसा हुआ, और फिर 2017 में 2 मरतबा ऐसा हुआ है। तो फिर उसमें क्या होता है कि जो लोग जा रहे होते हैं वो पिछले वाले को अच्छा नहीं कहते, वो ऐसे ऐसी बातें करते हैं, बंदा हैरान रह जाता है, या रिजक कमाने के लिए बंदे को अच्छा नहीं। और इस दौरान ये भी हुआ कि मुझे ब्लैकमेल करने की कॉल्स आती थी, ये 2008-09 की बात है, और वो पैसे ही मांगते थे और ज़ाहिर इंसल्ट भी करते थे। तो ये एक बहुत ही वो एक मुश्किल सूरत हाल थी, एक आम बंदा जो जिसका बेसिकली टीचिंग प्रोफेशन है, उसके लिए काले आना और इंसल्ट सुनना और 24 घंटे एक परेशानी का शिकार है ना, हर वक्त जहाँ जाएँ उनके पीछे काले आएंगे, अभी इधर हो वो, तो ये इस तरह के बहुत सारी मुश्किल आईं। और यही नहीं, और भी ये चूँकि जट डोमिनेटेड एरिया है, तो यहाँ पे मेरे बहन भाई सारे जट ही हैं, तो वहाँ भी जो किसी का जितना जहाँ तक पहुँचता रहा है उन्होंने अपनी कोशिश की है, जो एक्सक्यूज़ मिला है जिस तरह भी, लेकिन जब आप ठीक हैं, आप की नीयत ठीक है, और आप अल्लाह पे भरोसा करके मेहनत करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कामयाबी देता है और कुछ नहीं देता है। और इससे माशाल्लाह इस इलाके को बड़ा फ़ायदा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहें या ना कहें, डेवलपमेंट आई है इस शहर को और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में। हमारे बच्चे माशाल्लाह इंजीनियर्स हैं, पायलट हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं,
उसके अलावा डॉक्टर बहुत ज़्यादा, अभी वाईडीए में आगे आगे कोरोना के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उसमें हमारे चंद एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसमें बहुत मशहूर हमारे डॉक्टर चट्टा साहब, अब्दुलरहमान चट्टा साहब, वो अक्सर टीवी पे आके लोगों को ब्रीफ कर रहे होते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है लाहौर से। तो इस तरह प्रोफेसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़ी बहुत अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी, हज़ारों की तादाद में, और उसकी वजह से ये इस इलाके के माशाल्लाह एक एटीट्यूड डिफरेंस है, ये पढ़ा लिखा इलाका है, यहाँ पे लोग अच्छी जॉब कर रहे हैं, फैमिलीज पढ़ी लिखी हो गई हैं, ज़ाहिर है आप पढ़े लिखे हो तो आपका तलक भी पढ़ी लिखी फैमिली से होता है, तो इसलिए इससे कंट्रीब्यूशन भी है, मसाइल आए वो आते हैं, हर जगह पर आते हैं, जो भी काम करता है और उसका काम चले तो लोग मसाइल आते हैं, और यहाँ पर अल्लाह ताला ने कामयाबी बड़ी दी, इन लोगों की मेहरबानी, ये मेरे इलाके के लोग हैं, इन्होंने बहुत इज्जत दी थी, अभी भी बहुत इज्जत देते हैं, क्योंकि हमने भी दिलो जान यहाँ लगाया हुआ है, अपना खून पसीना जो है इधर ही लगाते हैं, कोई वो नहीं किया कि बड़े बड़े बाद जाके प्लाट ले लो, कोठियाँ बना लो, नहीं, हमने स्कूल ही बनाए हैं, और इस बात की खुशी है कि जब इस यहाँ से हम जाएंगे तो स्कूल ही होंगे दुनिया के लिए, जिससे सरकार जारी है, लोगों को फायदा होगा जब तक अच्छे पढ़ाते रहे। अच्छा, इस वक्त तहसील बार में आपके कितने कैंपस चल रहे हैं? जी, इस वक्त तहसील बार में हमारे छोटे मोटे 7 कैंपस चल रहे हैं, उसमें 3 कैंप से तो इधर सारों के चीमा में जहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं, एक 10 कनाल में हमारा एक कैंपस है वज़ीराबाद में डस्का रोड पे, इसके अलावा 3 कैंपसेज हो रहे हैं रसूल नगर में, ये रेंटेड बिल्डिंग हैं, सब कैंपसेज हैं गिलवाला में, और इसी साल कोरोना से जस्ट पहले हमने क्लास की एक शुरू किया था, तो टोटल 7 कैंपसेज हमारे इस वक्त चल रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। आप तहसील वज़ीराबाद चैम्बर ऑफ एजुकेशन के सदर भी हैं और काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, अब तक आप प्राइवेट अदारों के लिए क्या अचीवमेंट कर चुके हैं इस कोरोना में भी और इससे पहले भी? माशाल्लाह जी, 2012 से दोस्तों की ख्वाहिश थी कि एक तंजीम होनी चाहिए वज़ीराबाद तहसील में, तो 2-3 मरतबा दोस्तों ने रब्ता किया, तो हमने वज़ीराबाद चैम्बर ऑफ एजुकेशन के नाम से एक तंजीम बनाई, और उनका ख्याल था कि आज साहब सीनियर बंदे हैं और सिस्टम भी आपका ठीक है, वेल स्टैब्लिश, आप ही इसको लीड करें, चलो उनकी अच्छे काम के लिए कोई बुलाए तो जाना चाहिए। तो 2012 से लेकर ऑनवर्ड हमने प्राइवेट सेक्टर की बहुत खिदमत की है तहसील वज़ीराबाद में, और प्राइवेट सेक्टर से मराद प्राइवेट अदारे और उनमें पढ़ने वाले तलबा व तालबात और जो असातज़ा कराम हैं, हमने बहुत सारी वर्कशॉप भी अटेंड की, और इसमें हर साल बकायदगी से हमारा नात कंपटीशन होता है। ये जो वर्कशॉप आपने की ये तंजीम के तहत होती है? ये बिल्कुल तंजीम के तहत होती थी, उसमें हमारे मेंबर स्कूल भी आ सकते हैं और नॉन मेंबर भी आ सकते हैं, और इसके अलावा हमने कंपटीशंस होते हैं एकेडमिक कंपटीशंस में, क़िराअत कंपटीशन है, नात कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है, स्पीच कंपटीशन है, ये होता है, खेल वगैरह नहीं है, बल्कि हाँ होती है, वो भी होती है। 2016 में तो हमने एक स्पोर्ट्स गाला तहसील लेवल का कराया, जिसमें पूरी तहसील से कुछ 1500 थलीट थे, और उसको हमने 4 कैटेगरी में 5 कैटेगरी में तकसीम किया हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा जो है इवेंट मुझे नहीं याद कि किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी हुआ हो, तो बहुत ज़बरदस्त वो हमारा हुआ था, बड़ा कामयाब हुआ था। उसके अलावा भी हम इंडिविजुअली कराते हैं, और चूँकि अब ये तो कोरोना से पहले थी, और हर लिहाज से हम कन्फ्रंटेशन वाले नहीं हैं, लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं, एहतजाज करने वाले नहीं हैं, हम अपनी एक नस्ल तैयार कर रहे हैं, और इसी लिहाज से स्कूल वालों को भी हम कहते हैं कि आप भी आप जहाँ भी विज़िट करते हैं कहते हैं अपने स्कूल को अपग्रेड करो, फैसिलिटीज़ ज़्यादा करो, अगर आपकी फैसिलिटी ज़्यादा होगी, आपके रिजल्ट अच्छे होंगे, तो आपका दायरा वैसे ही आगे जाएगा, इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होगा। अब कोरोना में लिमिटेड था, कोरोना में ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन हम दोस्त बिल्कुल इन टच है। हमने कोरोना में क्या किया कि तमाम दोस्तों ने अप्रैल में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, तब हमें एहसास हो गया अप्रैल में इदारे खुलने वाले नहीं हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इब्तदाई तौर पे हमने वालदैन और बच्चों से रब्ता शुरू किया और पढ़ाना शुरू किया, ये सब मिलकर किया हमने। दूसरे फिर हमने जूम क्लासरूम, उसको पहले हमने आइडेंटिफाई किया, फिर उस पर हमने अपने स्टाफ को ट्रेन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब 1 जून को स्कूल नहीं खुले तो ज़्यादातर दोस्त जो हैं इस काबिल हो गए, वो 1 जून से गूगल क्लास रूम, जिस तरह क्लास में बच्चे को पढ़ाते हैं इस तरह टीचर को पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद फिर मज़ीद उसमें बेहतरी ये आई है कि आजकल ज़्यादातर स्कूलों वाले एक दूसरे से सीख के मीटिंग करके समझाने के बाद वो आज जूम पे लेक्चर दे रहे हैं अपनी क्लासेस को, तो ये हमने अपने तहसील वज़ीराबाद में स्कूलों वालों के लिए किया है। तो उसी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट मौजूदा हालात में क्या करना है, बोर्ड क्या कर रहा है, वो ब्रीफिंग देनी, वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, बोर्ड की मौजूदा पॉलिसी है, कब क्या होना है, तो ये सारी चीज़ें कोरोना के दौरान चलती रही। अच्छा, ये जो आपके अदारे हैं इस वक्त, ये चूँकि तलीम तो नहीं रोकनी, ये किस तरह कोई ऑनलाइन वगैरह कोई कर रहे हैं आप?
हाँ, मैंने जैसे अभी बताया कि हमारे पास, मैं अपने दायरे की बात करूँ तो हालांकि ये लोकल एरिया है, लेकिन हमने रोज़ों में भी हमारे स्टाफ ने छुट्टियाँ नहीं की, और रमज़ान के दौरान, और ईद की छुट्टियाँ भी हमने सिर्फ एक छुट्टी की, और उसके अलावा जो संडे थे वो भी ऑफ किए, क्योंकि 1 जून को स्कूल ओपन होने थे तो गवर्नमेंट ने बाद में छुट्टियाँ कर दी मज़ीद 2 माह के लिए, इसलिए हमें दिन रात एक करके, तो हमने ये गूगल क्लासरूम जिसमें बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं, टीचर अपने लेक्चर तैयार करके उसमें गूगल क्लासरूम में डालते हैं, बच्चे वहाँ पे बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मैं सब तो अचीवमेंट हूँ। और अब ये देखता हूँ कि 900 बच्चा, इससे भी ज़्यादा कुछ बच्चे हमारे गूगल क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि हमने इस सख्त वक्त में, कोरोना पेंडेमिक के वक्त में, हमने अपने बच्चों का लाश नहीं होने दिया। इसमें बड़े मसायल आए, पेरेंट्स के बाद मोबाइल हैं तो उन्हें इस्तेमाल नहीं करना आता, जीमेल आईडी उनकी नहीं थी, उसके अलावा वो जूम को, उसको गूगल को कैसे हमने डाउनलोड करना है, ज्वाइन कैसे करना है, तो समझ लें कि हमारे बंदे स्टाफ ने एक एक बंदे को बुला के खुद ये सारा करके दिया है। तो बस इस एरिया में हमने गूगल क्लासरूम पे जो है लोगों को ज्वाइन किया, तो उसमें पेरेंट्स को हम बुला बुला के हर किस्म की हेल्प करते रहे, उसमें हमने इनको जीमेल आईडी तक बना के दिया। कुछ लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन था लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जीमेल आईडी भी कोई चीज़ होती है, वो बना के दी। गूगल क्लासरूम जो है डाउनलोड करके दिया, उसको ज्वाइन कैसे करना है, तमाम के पासवर्ड कैसे लगाना है, ये सारी एफर्ट जो है ये मई में होती रही और कुछ किसी हद तक जून में भी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की ज़ाती तौर पर बहुत खुशी है, 900+ स्टूडेंट जो ऑनलाइन गूगल क्लासरूम जो है ले रहे हैं, और ये काफ़ी हद तक हमने कंपनसेट कर दिया, और बच्चों का जो नुकसान होना था, जो एक लिहाज से बिल्कुल उन किताबों से और स्कूल से दूर हो गए थे, उस नुकसान को हमने काफ़ी हद तक बचा लिया है। और बच्चे हमारे वालदेन, क्योंकि वीकली मेरी मीटिंग होती है इनको, एक लिहाज से वेबिनार समझ लें कि सेमिनार समझ लें, वालदेन ऑनलाइन जूम पर मेरी वीकली 12 से 1 बजे तक PTM होती है वालदेन से, तो उसमें मेरा स्टाफ ही सारा ऑनलाइन होता है, और तमाम तहसील से वालदेन भी होते हैं, तो उनका जो फीडबैक आता है ना वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुश है, वो कहते हैं सर बहुत आपके दायरे से बहुत खुश है, उन्होंने आपने हमारे बच्चों का लाश होने, बल्कि बच्चे घर में बैठ के शरारतें करते रहते थे, तो अब आपने वो काम कर दिया कि चूंकि ये कंप्यूटर और मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते थे उससे पढ़ते हैं, तो दोहरा फ़ायदा हुआ है कि ये हमारे मोबाइल भी नहीं ख़राब करते क्योंकि आपका काम करते हैं, इस पर पढ़ते हैं, इस पर पेंटिंग करते हैं वगैरह वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ज़ाती तौर पे हमारे वालदेन बहुत खुश भी हैं और सेटिस्फाइड भी हैं, उनकी तरफ से फीडबैक वीडियो की शक्ल में आता है, SMS की शक्ल में आता है, और जो वीकली मेरा उनके साथ इंटरेक्शन होता है जूम पे, उस पर भी वो इसका इजहार करते हैं, बहुत खुश हैं। थैंक यू। अच्छा जी, थोड़ा सा बैक में जा रहा हूँ, आपको साबक सूबाई वज़ीर तालीम जी मियाँ मसूद, हाँ जी, उन्होंने सर सैयद का लकब दिया था जी, जी इतने लकब से, इतने बड़े लकब से उन्होंने नवाजा था, आप कैसा महसूस करते हैं आज तक? हाँ, इसमें ये है कि इससे पहले राजा खादम हुसैन साहब थे, और उस वक़्त के वो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, EDO थे, उस वक्त EDO लगता था, CEO कहते हैं, तो उन्होंने पहले आए तो उन्होंने जब हमारी बोर्ड में पोजिशनें देखी, हमारे स्कॉलरशिप देखे, परसेंटेज देखी, ग्रेड देखे, तो उन्होंने भी ये मुझे कहा आप एरिया के सर सैयद हैं, और इसके अलावा चेयरमैन बोर्ड थे हमारे कर्नल मसूद अलैक, बड़े कमाल के चेयरमैन इस गुजरांवाला को वो नसीब हुए, उन्होंने भी ये कहा। और फिर 2006 में जब हमने बोर्ड टॉप किया और हमारे उस वक्त वज़ीर तालीम मियाँ मरान मसूद साहब थे, वो जब एनुअल फंक्शन में आए तो उन्होंने ज़ाहिर है डेफिनेटली एक गवर्नमेंट की तरफ से बैक मिल गई, उन्होंने इस बेस पर अनाउंसमेंट की कि मैं अनाउंस करता हूं कि आप इस एरिए के सर सैयद हैं। और यही नहीं है कि अभी आप वज़ीराबाद चैम्बर ऑफ एजुकेशन के वाले से पूछ रहे थे, उसकी बेस पे कारकर्दगी की बेस पे, तो हमारी पाकिस्तान ओपन लर्निंग एक ऑर्गेनाइजेशन है लाहौर से, उन्होंने उसके सदर की सीयत गोल्ड मेडल दिया, और इसके अलावा गुजरांवाला बोर्ड ने भी, एक तो बच्चे जब पोजीशन लेते हैं तो उनको देते हैं वो सर्टिफिकेट्स और गोल्ड मेडल, उन्होंने भी गोल्ड मेडल दिया था कि आपके तमाम बच्चे हर साल पास हो जाते हैं, उसकी शील्ड पड़ी हुई है, वो गोल्ड मेडल बना हुआ है, उसके अलावा शील्ड ऑफ मेरिट भी उन्होंने दी लहदा से, बहुत खूबसूरत बोर्ड वाले, बहुत ऐसा कम होता है कि बोर्ड वाले इस तरह दें, तो उसकी वजह से कि हमारी मसलसल उस ये जो 2000 की जो एक डिकेट था 2005 से लेकर 12-13 तक मसलसल पोजिशनें आई, और ग्रेट बॉय, और उसकी वजह से हमारे बच्चे आज बहुत कामयाब है,
उस ज़माने में बड़ी कमाल की एजुकेशन और उनकी परसेंटेज और डिवीज़न बढ़ रही थी, वो जहाँ जाते हैं मेरिट पर सिलेक्ट होते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। अच्छा जी, गवर्नमेंट इस वक्त नसाब के हवाले से इक्वल कर रही है पूरे पाकिस्तान में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मेरी तो शदीद ख्वाहिश है कि एक इंसाब हो, ठीक है, पूरे पंजाब में एक इंसाब हो, पूरे पाकिस्तान में एक इंसाब हो, तमाम बच्चे एक इंसाब पढ़ें, और इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन एक मैं वजाहत करता चलूँ कि ये जो है इस यकसा सिलेबस या सेम सिलेबस, इसका ये नहीं मतलब कि किताब एक ही होगी हर जगह पे, वो उसके आदर मुख्तलिफ हो सकते हैं, पब्लिशर मुख्तलिफ हो सकते हैं। मसलन आप डाल देते हैं क्लास वन की पाक स्टडी में के इसमें पढ़ाया जाएगा टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया पढ़ाया जाएगा, तो वो दो कौमी नज़रिया पूरे पाकिस्तान की जो जितनी बुक्स होंगी उसके दूसरे चैप्टर का पहला आर्टिकल यही होगा, वो किताब कोई भी लिख सकता है। ये कन्फ्यूजन है कहीं पर, शायद किताब ही एक लग रही है, वो नहीं, किताबें मुख्तलिफ लोग छापेंगे, मुख्तलिफ लिखेंगे, लेकिन उनका टॉपिक एक ही होगा। और यकसा तालीम, आप एक कौम बनाना चाहते हैं ना, एक यूनाइटेड नेशन बनाना चाहते हैं ना, आपकी कौम एक मुतहिदा कौम हो, उसकी कोई ओरिएंटेशन हो, ये लोग यूनाइटेड हों, मुख्तलिफ ना हों, एक हों, एक इकाई की तरह हों, तो उसके लिए यकसा सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। और जो एक जगह चीज़ पढ़ाई जा रहेगी तो वो लफाज की कमी बेशी के साथ, तफसील की कमी बेशी के साथ, वहाँ टू को भी टू नेशन थ्योरी है तो वो सेम बातें आएंगी, हाँ लफाज कोई बदल जाएंगे, कोई तस्वीर साथ लगा देगा किसी की, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट, असल इशू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारी कौमी ज़बान जो उर्दू है ना, वो ही सोर्स ऑफ मीडियम है, अदालतों में हर जगह में फैसला हुआ है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। ये यकसा निसाब वाला भी कितने साल हो गए सुनते हुए, तो मेरी तो ख्वाहिश है इस पर अमल हो, भरपूर हो, और फौरी तौर पर अगले साल से शुरू करते हैं, नेक्स्ट ईयर से शुरू करें, ताकि हमारे तमाम बच्चों में एक तरह की थिंकिंग पैदा हो, एक तरह की नेशनैलिटी पैदा हो, एक तरह की कौम बने, मेरी तो बहुत ख्वाहिश है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाजी साहब, जैसा कि वज़ीर हैं शफकत महमूद साहब जी, उनका भी अपना स्कूल है और वो सियासी भी हैं, आप भी माशाल्लाह इस वक्त इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत हैं, क्या आप उस सियासी वाले से भी कुछ करना चाह रहे हैं या नहीं? नहीं जी, मैं बुनियादी तौर पर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस बात से कि मैं टीचर हूँ। मैंने 97 में CSS अटैम्प्ट किया था, जिसके इंटरव्यू में मैं ड्राप हुआ और मेरे पास दो चांसेस थे, तो मैं अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट की जॉब नहीं की, मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई और दूसरा काम नहीं किया। माशाल्लाह 31 साल हो गए मुझे अब पढ़ाते हुए, तो मुझे तो लगता है कि आई एम दी वन ऑफ द बेस्ट मैन ऑन द फेस ऑफ अर्थ। मैं इस दुनिया में बेहतरीन मखलूक में से एक बंदा हूँ, क्योंकि आई एम ए टीचर, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इन्नमा बिस्तु मुअल्लिम, मुझे अल्लाह ताला ने मदरस बना के भेजा है, तो अल्लाह के नबी चूँकि तमाम अम्बिया के इमाम हैं और सरदार हैं, इसका मतलब जब सरदार मदरस है, टीचर है, मुअल्लिम है, तो तमाम अम्बिया कराम का वैसे भी यही काम था, हमारा काम ही यह है, अम्बिया वाला काम है, हम जो अम्बिया की विरासत कहते हैं, अम्बिया जो है ना वो फिज़िकल की विरासत छोड़ गिर जाते, ज़मीनें और ये जदादें नहीं उनकी होती, उनकी विरासत कोई नहीं होती, अम्बिया कराम किसी नबी की विरासत नहीं होती, उनकी विरासत जो होती है उनका पैगाम होता है, तो हम इसलिए उनसे वारस हैं कि हम उनका पैगाम फैलाते हैं, वो भी बनी रहो इंसान की तरबियत और इसकी बेहतरी और इसकी रहनुमाई और के लिए आते थे, तो हमारा भी ये काम है इंसान की जो तरबियत करना, उसकी नशोनुमा करना, उसको हक और बातल में फ़र्क बताना, और आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस हैं उनके लिए तैयार करके एक मुफीद शहरी बनाना, हमारा भी ये काम है, तो इसलिए मुझे इस पर बहुत फख्र है कि मैं टीचर हूँ। ठीक है, आजकल अलहदा बात है कि टीचर का नाम ले तो माफिया लोग कह देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैं उस्ताद हूँ। तो रही बात सियासत की, मेरा मजाज ही नहीं है ऐसा, मैं सियासत में वैसे भी नहीं आना चाहता, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि मैं इंतजार है, मैं गलत बंदे के साथ मैं ना बैठ सकता हूँ, ना उठ सकता हूँ, ना गलत बात मैं बर्दाश्त करता हूँ। मेरा अभी भी अपना रवैया यह है सोसाइटी में, जिन बंदों का मुझे पता है शायद गड़बड़ करते हैं या ठीक नहीं है या चौधरी टाइप है, जैसे तो मैं उनसे अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। तो सियासी लोग तो पता है उन्हें हर किसी के साथ जाना होता है, हर किसी के पास जाना होता है, उन्हें वोट चाहिए, अच्छा है बुरा है जैसे भी, तो इसलिए सियासत मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है, ना मैं आना चाहता हूँ, ना आऊँगा, ना कभी इसमें कोई ऐसा चांस है। अच्छा जी, हाजी साहब ये एक बड़ा ना मुहावरा सुना हुआ है कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, ज़रा थोड़ा सा इस पर देखें जी। वालदैन की तरबियत, जैसे अभी आप मेरे बेटे को तले पूछ रहे थे, ज़रूर कौन करती है,
और उसके बाद जो रूहानी वालदैन होते हैं साजा कराम की, जिनकी हमें हर हालत में इज्जत करनी चाहिए। अगर आप एज ए नेशन आगे जाना चाहते हैं तो फिर साजा की बहुत इज्जत, मेरे साजा प्राइमरी से लेके आखिर तक मास्टर तक यूनिवर्सिटी तक, तो मैं तो दिलो जान से उनकी इज्जत करता हूँ और यही समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। और यहाँ तक ये दारा चलने में, इसमें जिनकी तस्वीर पीछे लगी हुई है हाजी अब्दुल स्तार साहब, इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। मुझे इनके होते हुए किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं होता था, मैं फिक्रमंद नहीं होता था, मुझे पैसे चाहिए कोई और चीज़ चाहिए तो इनका किरदार है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ इंसान की तो अपनी तो बहरहाल की इतनी खूबी या काविश कामयाब नहीं होती, ये सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है। ठीक है। अल्लाह ताला जो है उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता, आप सिर्फ कोशिश करो दयानतदारी से ईमानदारी से और उसके बाद जो होना होता है जो नहीं होना होता, जो आपका होता है अल्लाह ताला दे देता है, जो आपका होता है नहीं देता। और फिर अल्लाह ताला जब आपकी बेहतरी चाहता है ना कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, जब अल्लाह ताला से कहते हैं ना कि मुझे रास्ता सीधा दिखा दे, उन लोगों का रास्ता जो जिन पे तेरा नाम हुआ गैर मकदूब लैन, उनसे बचा ले जिस पे तुम्हारा अजाब नाजर हुआ, तो फिर आप, मैं तो ये समझता हूँ इस दुनिया में अगर पहचान आएगी तो आप गलत रास्तों से दूर रखें रहें, अल्लाह आपको अच्छे दोस्त दे दे, अच्छी कंपनी दे दे, अच्छी सोच दे दे, अच्छी जगह दे दे, स्कूल से बढ़ के अच्छी जगह कौन सी होती है मस्जिद के बाद। तो ये अल्लाह ताला ने इसके गालबन में इसके लिए ही फिट था, इसलिए मुझे अल्लाह ताला ने इधर भेज दिया, इसलिए आज से मैं बहुत से ज़्यादा खुश हूँ। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बेहतरीन इंसान बनाने के बाद एक बेहतरीन ज़िंदगी दी है, बेहतरीन माहौल दिया है, बेहतरीन लोगों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और एक बात याद रखें, मेरा मुल्क पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पर, रकबे के लिहाज से गालबन 35वें नंबर पर, इतनी बड़ी ताकत है दुनिया जान की, हर चीज़ इसमें अवेलेबल है, लंबे लंबे साहल है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वसी रेज जमान है, आपके मैदान हैं और उसके साथ इसमें सहरा हैं, क्या चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती, बेहतरीन नहरी निज़ाम है, लंबे लंबे दरिया हैं, तो इसमें दुनिया की हर, ये कहते हैं स्ट्रेटजिक लोकेशन, वो पाकिस्तान की वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दुआ करें इस मुल्क को अच्छे हुक्मरान मिल जाए और किसी बात की कमी नहीं है, अच्छे हुक्मरान मिल जाएँ। और दूसरी यह कि तलीम की तरफ तवज्जो दें, हमारी बच्चियाँ तो है माशाल्लाह पढ़ रही हैं, जहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता, औरत ज़ात को पढ़ाएँ, अगली नस्ल खुद ही पढ़ जाएगी, औरतों को पढ़ाएँ, बच्चियों को पढ़ाएँ और अच्छे हुक्मरान आ जाएँ और ये औरतों को पढ़ा दें, दो काम ये कर दें मेरी नज़र में, ये पाकिस्तान बड़ी स्पीड से, पहले माशाल्लाह किसी से काम नहीं है, बहुत आगे जाएगा। अच्छा जी, आखिर में आप अवाम को पैगाम दे दें। हाँ जी, मेरा आखिर में अवाम के लिए पैगाम ये है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं बहुत अजीम मुल्क है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, तब्दीली हमेशा ऊपर से नीचे आती है, जैसे बारे पहाड़ की चोटी पे होती है तो नीचे आती है और फिर दरिया बनते हैं, फिर नहरें बनती हैं, फ़ायदे फ़ायदे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मारी पहाड़ की चोटी जो है वो बहुत करप्ट है, वहाँ पे नहल और नलायक लोग आते रहे हैं पिछले 72 सालों में, तो वहाँ से तो आपको पानी मिलने वाला नहीं है। आप अपने तौर पे अपने आप को दुरुस्त करें, सोना 100 साल ज़मीन में दबा के रखें, 100 साल बाद निकालें वो सोना ही रहता है, और लोहे को पॉलिश कर करके रखें उसको जंग लग के रहता है। इसलिए जो अच्छी बातें हैं वो अडाप्ट कर लें, खुदारा ये दुनिया के फैशन और रस्म व रवाज जिद्दत में झूठ फरेब मकर अयारी इससे बाध रहें, अपने रिश्तेदारों से बेहतर सलूक करने की कोशिश करें और तलीम ही तब्दीली लाएगी। ये मेरा कंसिस्टेंट व्यू है, हर जगह पे मैं जब जाता हूँ ये बताता हूँ, तब्दीली नहीं आनी, तब्दीली अगर अच्छे कुरान आ गए तब भी तब्दीली तलीमी इदारों से आनी है, मदारस से आनी है, मसाजिद से आनी है, स्कूलों से आनी है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों से आनी है। तो अपने अपने बच्चों पे ये जो खराफात हैं, ये दुनिया की जो गैर तरक्की रोकने वाली जो रस्म और रवाज हैं, शादियों में पैसे लगाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के और हमारी रस्में हैं, फोत होने के बाद इतने इतने पैसे लगा देते हैं, ये छोड़ दें और बच्चों को पढ़ाई में लगा दें। और देखें मेरे मुअज्ज़ज़ पाकिस्तान के रहने वालों, इसमें ये देखें कि हमारे मुल्क में कोई बंदा मुहक्क नहीं है, रिसर्चर नहीं है, कोई रिसर्च करने वाला नहीं है, सारे पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, छोटी मोटी जो है नौकरी कर लेते हैं या कर भाई। हमारे मुल्क में चूंकि तलीम के लिए जो बजट बहुत कम अलाउ किया जाता है,
एलोकेट किया जाता है, इसकी वजह से रिसर्च लैबॉरटरी नहीं है, रिसर्च सेंटर ही नहीं है, हमारे यहाँ साइंसदान ही नहीं पैदा हो रहे। इसलिए आप खुद से अपने आप को इस तरफ लगा दो, एक तो अच्छाइयाँ अपना लो और उसके लिए अल्लाह ताला की जो किताब कुरान हकीम है वो बेहतरीन है, तर्जमे के साथ पढ़ो, दूसरा अपने बच्चों को पढ़ा दो। मेरा आपसे यही पैगाम है और यही दरख्वास्त है। जी नाज़रीन, आपने हाजी इशफाक अहमद वलायत की बहुत ही सूदमंद गुफ्तगू सुनी, इनकी बातें जो सच पर मबनी थी, हमें इस पर अमल करना है और माशरे उस वक्त ही तरक्की करते हैं जब उनकी सोच पॉजिटिव हो। तो हमें अपनी सोच को पॉजिटिव करना है, अपने आप को ठीक करना है, दूसरों के लिए अपना आप को वक्फ करना है। इसी बात के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। इजाज़त चाहता हूँ, अपने मेज़बान अकबर पट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।